अब खबरें विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के मौके पर कृतज्ञ लोगों ने उन्हें याद किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। साक्षी आम बगान मैदान में विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के लोगों ने नेताजी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और उनके पद चिन्हों पर चलने और उनके आदर्शों को अपनाने का प्रण लिया। शेखर जयंती से मैं अनुरोध करूंगा, ये तो अमन सर आए हुए भाई, धन्यवाद। वही आम बगान मैदान का अब नामकरण नेताजी सुभाष मैदान के तौर पर हो चुका है। बुधवार को मंत्री सरयू राय, सांसद और जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी कृष्णा कुमार ने औपचारिकता पूरी की। उधर कदमा स्थित नेताजी विचार मंच द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। ऐसे देश के महान सपूत की आज जन्मतिथि मनाने के लिए आज हम उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी एवं साथ में लोग नमन करने आए हैं और उनको हम अपने हृदय से उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करने आए हैं कि ऐसे योद्धा जिन्होंने सारी चीज़ों का परित्याग करके इस भारत माता के आज़ादी के इस जंग में अहम भूमिका निभाई, हम सारे लोग उनको इस जन्म जयंती में बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं और जो समाज में वैमनस्यता फैल रही है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और जो लोग देश को तोड़कर विध्वंसकारी शक्तियां सक्रिय हो रही हैं, हम परमात्मा से प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसी विध्वंसकारी शक्तियों को नष्ट नाबूद करे। उधर मिलानी हॉल में सुभाष संस्कृति परिषद द्वारा नेताजी की जयंती पर उन्हें याद किया एवं इस मौके पर देशभक्ति गीत भी पेश किया गया। दूसरी ओर बंग बंधु संस्था द्वारा नेताजी की 122वीं जयंती पर विशाल रैली निकाली गई, बाद में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार की न्यायालय में पेशी हुई। तीन अलग अलग मामलों में डॉक्टर अजय की पेशी हुई, मुख्य रूप से 2011 में हुए चुनाव से संबंधित मामले हैं। वहीं सीडी प्रकरण पर उन पर आरोप भी गठित कर दिया गया। हाजिर हुए सीजे में दो मामला था, एक सीडी प्रकरण का मामला था जो सरजू राय के खिलाफ हमने दर्ज करवाए थे साक्षी थाना में। उस मामले में डॉक्टर अजय ने आज गवाही दी दिनेश आनंद गोस्वामी और डॉक्टर सरजू राय के खिलाफ, और जो सरजू राय मामला दर्ज कराए थे डॉक्टर साहब के खिलाफ उसमें आरोप गठन हुआ डॉक्टर अजय के खिलाफ। और एस गिल के न्यायालय में आचार संहिता के मामले में दो मामले में हाजिर हुए, जिसमें एक न्यायालय ने एक मामले में बरी कर दिया आचार संहिता का मामला और एक मामले में आरोप गठन हुआ है। वहीं दूसरी ओर चुनावी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की भी पेशी हुई, जिन्हें अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। देखिए आचार संहिता का मामला था, उसमें
जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त में जो है कि एक आचार संहिता का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश हुए हैं। माननीय न्यायालय में हमने गुहार लगाई है कि इस मामले में हम लोग निर्दोष हैं, और सही में हम लोग को ये मालूम नहीं है कि किसने कहां पर कब पोस्टर बैनर लगाया है। जुगसलाई थाना अंतर्गत नया बाजार में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जुए अड्डे में छापामारी की। जुगसलाई के नया बाजार में जुआ चलने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही नकद और ताश की गड्डी बरामद किए गए। सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस को कई दिनों से यहां जुआ अड्डा चलने की सूचना मिल रही थी। सूचना आई थी जुगसलाई थाना अंतर्गत नया बाजार है, वहां एक घर में जुआ खिलाया जाता है प्रतिदिन। उसी सूचना के आलोक में रेड किया गया है, वहां से कुछ लोग पकड़ाए हैं, कुछ रुपए बरामद हुई है, जांच पड़ताल अभी जुगसलाई थाना में थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स द्वारा गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत टेलको स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। टाटा मोटर्स द्वारा सुमंत मूल गावंकर स्टेडियम में भव्य परेड व कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यहां भव्य परेड में कंपनी के फायर टीम, सिक्योरिटी के साथ साथ स्कूली बच्चे भी शामिल होते हैं। श्री मनीष कुमार, जोश और उमंग से भरे दिल में देशभक्ति का जज्बा लिया। रोहित प्रसाद और गोल इन 400 मीटर रिले इन नेशनल एएसआई कमान में तिरंगे को सलामी देती हुई गोपा बंधु विद्यापीठ की छात्राएं। MGM अस्पताल अलग अलग कारणों से हमेशा विवादों में रहा है। बुधवार को ICU का लिफ्ट बिगड़ गया, जिसमें मरीजों को सीढ़ियों के रास्ते से ले जाया गया। अपनी अव्यवस्था के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाला MGM अस्पताल के ICU का लिफ्ट बुधवार को खराब हो गया। आनंद फानंद में उसे दुरुस्त कराने की जरूरत किसी ने भी नहीं समझी। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा। परिजन उन्हें सीढ़ियों के रास्ते ICU तक ले जाते देखे गए। तबीयत खराब था, हम लोग भर्ती थे, तो अभी ICU में ट्रांसफर किया गया है, तो हम लोग यहाँ लेके आए। लिफ्ट तो आप भी देख रहे हैं, लिफ्ट खराब है। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। शैलेंद्र महतो को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने झारखंड प्रदेश का संयोजक प्रतिनियुक्त किया है। प्रदेश संयोजक नियुक्त किए जाने के बाद जदयू के महानगर अध्यक्ष संजीव आचार्य ने कार्यकर्ताओं के साथ उनका अभिनंदन किया। शैलेंद्र महतो ने कहा कि फिलहाल पार्टी और संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना है।